भंडारा आदर्श नगर सिग्नल जवळील ओशिवरा पोलीस चौकी शेजारी असलेल्या अंधेरी पश्चिम मुंबईतील फिल्म ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून दररोज रात्री 12 वाजता दादासाहेब फाळके आयकॉन पुरस्कार चित्रपटाच्या रेखाटातील सर्व संघर्ष कलाकार आणि तंत्रज्ञांसाठी दिले जातात. या लॉकडाऊनमध्ये मुंबई शहरातील सर्व संघर्ष करणारे कलाकार जसे स्ट्रगलचे कलाकार स्पॉट बॉय मेकअप मन या संस्थांकडून धान्य दिले जात आहे. DPIAF ऑर्गनायझेशन ही हिंदुस्थानची पहिली संस्था आहे. दादासाहेब फाळके या चित्रपटाचे प्रवर्तक आहेत. या संस्थेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष कल्याणजी जना, ग्लोबलचे चेअरमन अंकिता जना, राष्ट्रीय अध्यक्ष भेरू जैन, कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट शैलेश दुबे, ब्रँड ॲम्बेसिडर डॉक्टर अजय सहाय, राष्ट्रीय संचालक पंढरी शेट्टी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलन जना, समिति सदस्य अरविंद ढेमचा, सल्लागार बी एन तिवारी, अभिनेता कुमार गौतम, अभिनेत्री हेमा शर्मा, अभिनेता ताहिल कमल खान, अभिनेता आणि मॉडेल शिव आर्यन, वकील सुधीर दुबे या सर्व उपस्थित असलेल्या सदस्यांचे संस्थापक आणि अध्यक्ष कल्याणजी जना यांनी मनापासून आभार मानले. माझे सर्व मित्र अन्नधान्यासाठी अधिक नावे घेऊन आले आहेत. आम्ही तुमच्या आशीर्वादाने त्या सर्वांना धान्य पाठवण्याचे काम करू असेही कल्याणजी जना म्हटले आहेत. पूरा महीना हो गया हेल्प करते हुए जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आज आपने क्या किया है उसके बारे में? सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच. मेरी टीम को नमस्कार. और आज हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ. मैं नहीं खिलाता, मेरी टीम खिलाते हैं रोज़ 12 बजे. ये मेरे लिए मंदिर है, ये जगह मेरे लिए मंदिर है, तो इसमें मंदिर में मैं खड़ा हूँ. और हर रोज़ 12 बजे हमारा यहाँ भंडारा होता है दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स के नाम पर. और मैं नमन करता हूँ दादा साहेब फाल्के को, जिनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर है. इंडस्ट्री का गॉडफादर है वो, और उनके नाम का ये NGO है. और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर तमाम जो मेरे मेंबर हैं वो यहाँ पर आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो मेंबर जो आ नहीं पाते हैं, जो दूर से मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है. यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर चाहे फिल्म लाइन के हो चाहे फिल्म लाइन के नहीं हो, उन लोग सब यहाँ पर आए हैं आज अनाज देने के लिए. आज अनाज हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग अनाज दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ लोगों को हम लोग अनाज दिया. अब इसके बाद हम लोग मीरा रोड जा रहे हैं अनाज देने के लिए. इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं, कल्याण जी हमें दवाई के लिए चाहिए, तो उनको दवाई भी हम लोग दिला रहे हैं. किसी को कोई बोलता है हमारा गैस का वो सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया, तो हम लोग उनको भी सिलेंडर की हम लोग भर के दे रहे हैं. मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे एडवोकेट हमारे शैलेश दुबे साहब जो वो यहाँ पर आए हैं, सुधीर दुबे साहब जो एडवोकेट वो यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ में मेरे अरविंद हमजा सर वो यहाँ पर है मेरे साथ में. सुबह से हम लोग पीछे खाना पैक कर रहे हैं, खाना पैक करके हम लोग यहाँ पर मतलब अनाज को पैक करके हम लोग यहाँ पर लेके आना सुबह से हम लोग पड़े हैं, कल से हम लोग पड़े हैं अरविंद जी. उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू जैन जी, उसके बाद हेमा शर्मा जी एक्ट्रेस, कमाल खान एक्ट्रेस, कुमार गौतम एक्टर, और उसके साथ साथ में तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, और हमारे विजय सक्सेना साहब जो टाइम निकल के वो यहाँ पर आए हैं, उसके साथ साथ में हमारे शिव आर्यन सर यहाँ पर आए हैं, शिव आर्यन सर और सब तमाम लोग यहाँ पर है. मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, मेरी पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं खाली इतनी बोलता हूँ जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं घोड़ा हूँ गधा नहीं हूँ. मैं क्या हूँ? मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा नहीं हूँ. तो घोड़ा ना सोता है ना रुकता है ना थकता है ना भागना छोड़ता है, तो मैं घोड़ा हूँ, मुझे गधा मत समझो. तो जो लोग इस NGO के अंदर भी जो डाल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मतलब खिला डाल रहा है, उसको भी मैं डाल रहा हूँ खिला. तो और जो लोग मेरे पीछे पड़ा है उन समझ लो भाई, कल्याण जी जाना गरीबों के एक्टर गाधा नहीं है, घोड़ा है और घोड़ा की तरह भागेगा. और जो मेरे पीछे पड़ा है पढ़ने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. और मेरी जो दुनिया का दुआ है, मेरी पिता माता का दुआ है, मेरी मम्मी डैडी का दुआ है, मेरी इस मिट्टी का दुआ है, वो दुआ मेरे साथ है. बाकी दो भाई हर हर महादेव. NGO के बारे में कुछ बताइए, आपने कब NGO चालू किया था और किस मकसद से किया था, और अभी ये NGO क्या करने वाला है? ये NGO के अब दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म जो हमारा NGO है, ये NGO के लिए, इस NGO के लिए तमाम लोग हमें सपोर्ट किया है. हमें
एडवोकेट शैलेश दुबे जी ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, क्योंकि इस एनजीओ को जब हमने बनाना शुरू किया था तो एडवोकेट साहब के पास जाके मैंने सलाह लिया, सर ऐसा कैसे बना सकता है। तो बहुत जगह पे दिक्कत आया, क्योंकि दादा साहेब फाल्के का नाम का एनजीओ का नाम वो नहीं मिल रहा था, तो भगवान की दुआ से वो मिला, वो एनजीओ शुरू हुआ। एनजीओ शुरू होने के बाद हमने यहाँ पर भंडारा शुरू किया, इसके अलावा हमने घर घर तक राशन देने का हम लोग काम शुरू किया, इसके अलावा हमने दादा साहेब फाल्के जो हमारा उनके नाम का हमने एक पुतला 15 फुट का पुतला का बांद्रा में उद्घाटन करने का हमने निर्णय लिया है, जो इस मुंबई शहर में दादा साहेब फाल्के का पुतला नहीं है। तो हमारी इस पूरे टीम को लेके दादा साहेब फाल्के का 15 फुट का पुतला का हम कर रहे हैं उद्घाटन बांद्रा में। दादा साहेब फाल्के का फ़ोटो नहीं है कहाँ पर, तमाम वो पिक्चर हॉल में, तमाम वो स्टूडियो में, मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का वो फ़ोटो होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के का फ़ोटो जब फिल्म शुरू होता है तब उनका फ़ोटो क्यों नहीं आता है, तो वो हमारा मांग है। दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया। ऐसे तमाम सारे मुद्दा हम लोग दादा साहेब फाल्के का नाम का हम लोग रखे, और मैं चाहता हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से ये सफल होगा। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप लोग दिखाएंगे अच्छा से, आप लोग दिखाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा मैं नमन करता हूँ, तमाम मीडिया को नमन करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, और थैंक यू सो मच मेरी ऑल टीम, मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना, थैंक यू सो मच। आप घर पे हो, आप बच्चे को संभाल रहे हो, और आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ है, आपके दुआ मेरे साथ में। एंड थैंक यू मेरा ऑल जो टीम के मेंबर है, जो मेरे पास यहाँ नहीं है, जो बाहर है, और तमाम जो यहाँ पर, मैं और बोल दूँ, अरविंद धामजा जी, हमारे वीरू जैन जी, हमारे कुमार गौतम जी, हमारे सुधीर दुबे साहब, एडवोकेट शैलेश दुबे साहब, हमारे टीम मेंबर है हेमा शर्मा जी जो नया अभी टीम मेंबर बने हैं, इन सभी सभी शिव आर्यन जी, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच मीडिया को, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आजकल मदद कर रहे हैं लोगों की, जो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं कोरोना के टाइम पर, आप क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छी बात है, कल्याण जी हेल्प कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कल्याण जी जैसे कई साथ में जुड़ जाएँ, तो बहुत गरीबों तक ये चीज़ पहुँच सकती है। और आज लॉकडाउन की वजह से आज खाने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, गरीब लोग तो ऐसे मतलब हो गए हैं। और कल्याण जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि भगवान कृपा से इनकी हर कोई हेल्प करे, जो आगे तक ये हेल्प पहुँचाए। तो आप कल्याण जी से कैसे जुड़े हुए हैं? सर कल्याण जी से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, कल्याण जी से क्योंकि फिल्म वाले हैं, तो हमने काफ़ी फिल्में प्रोड्यूस की, उसके ज़रिए से मुलाकात होती रहती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी सिफारिश को क्या नाम दिया जाए आपको? दादा साहब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड्स के प्रेसिडेंट और फाउंडर कल्याण जी जाना, जो पिछले लॉकडाउन में भी तमाम लोगों के घर घर जाके राशन दे रहे थे, उसके बाद इन्होंने भंडारा चालू किया आदर्श नगर सिंगल पे, हर रोज़ दोपहर में 12 से 2 तक करीब 300 से 500 लोगों को भंडारा दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से ये भंडारा जो नहीं हो पा रहा था पुलिस प्रशासन की वजह से, इसके लिए अभी इन्होंने फिर राशन वितरण का प्रोग्राम चालू किया। इसके लिए हम लोग कल्याण जी जाना को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि इसी प्रकार आगे भी प्रोग्राम होता रहे। थैंक यू सर। इस कोशिश को जो इतना दिन से करते आ रहे हैं लोगों के लिए, सबसे पहले मैं कल्याण जी को हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ। ऐसी इस महामारी में भी वो काफ़ी मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात नहीं सो रहे, कांटेक्ट कब सबसे फ़ोन आ रहे, इधर छे उधर छे, सबके लिए मतलब घर घर जाके अनाज दे रहे हैं, और बहुत ही मतलब नेक काम कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम भी किया था अभी भी कर रहे हैं, और शाम को भी कई एरिया में जाके देने वाले हैं ये काम के लिए, और पूरी टीम हमको सब सपोर्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी पूरा। थैंक यू सर। क्या कल्याण जी को आप क्या विशेष देंगे, इतना नेक काम कर रहे हैं वो, लोगों की इमदाद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खाना बांट भी रहे हैं, तो उनके एनजीओ को क्या कहेंगे और कल्याण जी को लेकर आप क्या रहे हैं? सबसे पहले कल्याण जी जाना, इनको गरीबों के एक्टर के भी नाम से जाना जाता है, और ये दिन रात किसी चीज़ की परवाह करते बिना गरीबों के लिए खाने पीने से लेके और दवा वगैरह और हॉस्पिटल मेडिकल जहाँ तक इनसे हो पा रहा है ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है, उसके लिए ये खुद दिन रात कभी नहीं देखते हैं, हमेशा कार्यरत हैं, और हम लोग और ये और इनकी टीम सब मिल के एक साथ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देना चाहता हूँ, ताकि ये इसी तरीके से और आगे काम करते रहें, हमसे भी जहाँ तक हेल्प पड़ेगी हम इनके हेल्प करना चाहेंगे। धन्यवाद।
लोगों की हेल्प करना है कल्याण जी जो अपने एनजीओ के द्वारा वो इतने लोगों की हेल्प कर रहे थे उनके बारे ये देखो बहुत बड़ी बात होती है दुनिया में, ये सबसे बड़ा काम होता है किसी को भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। जैसे कि कितने लोग तो अभी मैंने कल एक मैंने इश्तिहार देखा, उसमें एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती था तो उसके घर वालों से कोई भी नहीं आया और एक पंछी उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ये जो काम है ना लोगों को खाना खिलाने का और पानी पिलाने का, दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है किसी का अच्छा करना, भला करना। देखिए सर, मैंने तो अभी ये एनजीओ ज्वाइन की है, मैं इसकी एसोसिएट मेंबर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इसका हिस्सा बन के। और ये आज के जो टाइम की जो बीमारी चल रही है ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना, इस टाइम पे कोई भी इंसान किसी से मिलना ही नहीं चाहता है, लेकिन कल्याण जाना जी ना जाने कितने लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको टच भी करते हैं। मैंने आज ही देखा कि उन्होंने उनके पैर भी छुए। तो आप किसी को प्यार भी दे रहे हो और पैर भी छू रहे हो, आशीर्वाद भी ले रहे हो, तो इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि इंसान मर रहा है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस एनजीओ का हिस्सा बनके, क्योंकि एनजीओ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जहाँ पर दिल से काम किया जाता है वो मुझे ये लग रहा है। और जैसे कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स एनजीओ है, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि फिल्म के नाम पर है, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं वो इसका हिस्सा हैं। और यहाँ पर इस एनजीओ का हिस्सा कोई भी इंसान बन सकता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो ही आप इसका हिस्सा बन सकते हैं या तो ही आप इससे जुड़कर अच्छा काम कर सकते हैं। कोई भी अच्छा इंसान इस एनजीओ से जुड़ सकता है। और मैं अभी तक जितने भी अपने टीम मेंबर से मिली हूँ बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी एक ही कोशिश है, एक ही जुनून है कि हम जितना भी इस ग्लोबल पैंडेमिक में किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं, कोई भी इंसान परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें फ़ोन कीजिए और आपके फ़ोन से हम न जाने कितने सारे लोगों की परेशानियाँ दूर कर सकते हैं।